हम इस वक्त आज़मगढ़ में हैं और आज़मगढ़ में आए और ख़ास तौर से आज़मगढ़ शहर में मौलाना आमिर रशादी साहब से मुलाकात ना हो। बहरहाल मौलाना आमिर रशादी साहब राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उनसे इस सिलसिले में इसलिए बातचीत करना ज़रूरी है क्योंकि उनके बेटे हुज़ैफ़ा रशादी दीदारगंज सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। तो मौलाना, सबसे पहले तो हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे थे कि पिछली कई सालों से आप चुनाव लड़ रहे हैं और कई सारी सीटों पर लड़ रहे थे, इस बार एक ही सीट पर आप क्यों सीमित हो गए? नहीं, हमने इस मरतबा तकरीबन 100 सीटों पे हम लोग लड़ रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो सूरत हाल था और मुख्तलिफ पार्टियाँ उत्तर प्रदेश के बाहर से आकर के भी यहाँ पर मुस्लिम पार्टियों की मैं ख़ास तौर से बात करूं, तो मुझे ऐसा लगा कि वोटों का बहुत बुरी तरह से बंटवारा होने जा रहा है। मकसद हमारा यह है कि मुस्लिम समाज के वोट को बिखराव से रोक करके और सही सिमत में उनको ले जाया जाए, उनकी सोच को मोड़ा जाए, गुलामी से उनको बाहर किया जाए, आज़ादाना सोच पैदा किया जाए। ऐसे में समाज की सोच ये बन रही थी कि परिवर्तन होना चाहिए या बदलाव होना चाहिए कि वो, लेकिन भारत हम लोग पॉलिटिकल पार्टी अगर हैं तो इलेक्शन तो लड़ना ही होगा। तो हम लोगों ने 11 सीटों पे पर्चा दाखिल किया सिर्फ, जिसमें से हमारा 8 पे पर्चा खारिज हो गया, किन्हीं वजूहत से हमें ये पता नहीं। 3 पे हम लड़े हैं, एक हम देवरिया में पत्थरदेवा पे एक महिला हमारी कैंडिडेट है, दूसरा एक हम कानपुर पे लड़े हैं और एक हमने आज़मगढ़ में चुना। आज़मगढ़ में 9 सीटों पे बाकी मुस्लिम समाज की पार्टियां लड़ रही थी, तो हमने उन जगहों पे मुनासिब नहीं समझा कि हम लड़ें, इसलिए हमने सिर्फ एक सीट को दीदारगंज की सीट पे आपके बेटे लड़ रहे हैं चुनाव। और दीदारगंज की जो सीट की अगर हम बात करें तो 2008 में जो परिसीमन हुआ था उसके बाद वो सीट वजूद में आई थी, और 2012 में पहली मरतबा वहाँ चुनाव हुआ, वहाँ से आदिल शेख साहब पहली मरतबा समाजवादी पार्टी के सेंबर पर चुनाव जीते थे। उसके बाद 2017 में BSP के कैंडिडेट वहाँ चुनाव जीते थे, 2 बार चुनाव हुआ है। वहाँ मुसलमान और दलित बड़ी संख्या में हैं, अक्सरियत में मुसलमान हैं, दूसरे नंबर पर दलित हैं। ऐसी सूरत में आपको क्या लगता है कि फिर से एक बार दोबारा से ऐसी सूरत में मुसलमानों का वोटों का बंटवारा नहीं हो जाएगा? क्योंकि समाजवादी पार्टी अक्सर ये कहती है कि मुसलमान उनको परंपरागत तौर पर वोट करते हैं। जाहिर है कि राष्ट्रीय उलमा काउंसिल को जो वोट आएंगे वो मुसलमानों के ज़्यादातर आएंगे, तो एक तरीके से मुसलमानों के वोट इधर भी जाएंगे और समाजवादी की तरफ भी कुछ चले जाएंगे और कुछ ना कुछ तो BSP की तरफ चले जाएंगे। फिर एक बार दोबारा से कृष्ण मुरारी जो यहाँ से BJP के कैंडिडेट हैं वो जीत सकते हैं? असल में आप लोग जिस परंपरा की बात कर रहे हैं उसी सोच की सहाफत भी आप लोगों ने शुरू कर दी है। मुसलमान अब इस मुल्क में BJP को हराने के लिए वोट नहीं करता। अगर समाजवादी की ये सोच है, वो परंपरा नहीं है, वो उनके दिमाग में है कि मुसलमान जाएगा कहाँ। हमारे मुस्लिम समाज के नेताओं की कुछ गलतियां हैं, मैं उसको अभी कहना नहीं चाहता, वरना इस उत्तर प्रदेश में इस मर्तबा नज़ारा कुछ और होता। 150 सीटों पे हमने जो UDA बनाया था और सारे लोगों को इकट्ठा कर दिया था, लेकिन कुछ लोगों ने उस UDA को ख़त्म करने की साजिश रची, वरना यहाँ पर इस मर्तबा समाजवादी को भी अपनी हैसियत का इल्म हो जाता। रही बहरहाल दीदारगंज की जो आपने समीकरण की बात की, बसपा का दलित और जिस समाज के आदमी को वोट दिया गया, उन दोनों का वोट मिलाने के बावजूद 65 से ऊपर नहीं बढ़ पा रहे हैं, और अगर 60% भी पोलिंग होती है तो 36-40 पे बैठ जाएंगे। इसी तरह भाजपा का वोट के भी यही पोजीशन है कि वो 70 तक पहुंचती है, 60% पोलिंग होगी तो वो भी वहीं पर पहुंच रहे हैं, कुछ बसपा से आगे। समाजवादी का जहां तक ताल्लुक है,
हमारी लड़ाई समाजवादी से है। वहाँ भाजपा कहीं लड़ाई में, भाजपा वहाँ चौथे नंबर पे है, बसपा तीसरे नंबर है, हमारी लड़ाई ऐसा कहा जाता है कि अगर सुन ले पूरी बात, दीपक चौरसिया ना बने कि हमारी उस सीट पे हमारा 1,10,000 तकरीबन वोट है। अगर हम अपनी पोलिंग वो बढ़ा लें जितनी हम लोगों ने मेहनत की है, अगर 60% भी पोलिंग अगर आपकी बात मान ली जाए तो हमारी जो है तकरीबन 66,000 से शुरुआत होगी। दूसरी बात, राष्ट्रीय उलमा कौंसल सर्व समाज की बात करती है, हमारा पहले दिन से नारा एकता का राज चलेगा, मुस्लिम हिंदू साथ चलेगा, मुस्लिम यानी मुस्लिम क़यादत करेगा, तो हम क़यादत की बात करते हैं। ऐसे में हमें ब्राह्मण समाज का, हमें वहाँ भूमियार बहुत बड़ी तादाद में है जिनका आप लोग कोई तस्करा नहीं कर रहे हैं, दलित की बात कर रहे हैं, भाजपा के वोटों की बात कर रहे हैं, भाजपा से ये दोनों समाज बहुत नाराज़ है, इसलिए वो दोनों वोट हमारी तरफ मुंतकिल हो रहा है। साथ में हमारा गठबंधन चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी, आज़ाद पार्टी समाज पार्टी से है, कल वो यहाँ पर आए थे, हमारा रोड शो अगर आप कल देख लिए होते, हमने देखा वो रोड शो का मंजर देखा, वो इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अगर आप रोड शो देख लेते हमारा तो आपको समझ में आ जाता कि जीत कौन रहा है। हर समाज का आदमी वहाँ मौजूद था, तो दलित वोट में हम बहुत बड़ा मतलब समाज का हिस्सा अपने हक में लेके आ रहे हैं, और दलित समाज 75% वोट इस वक्त जो नौजवानों का खासतौर पर वो भीम आर्मी के साथ है और वो हमारे गठबंधन के हिस्सा है, तो ऐसी सूरत में हमारे हमसे तो कोई लड़ ही नहीं रहा है, तो आपका ये कहना कि ऐसा हो जाएगा बंटवारा, वहाँ कोई बंटवारा नहीं हो रहा है। हाँ, कुछ लोगों ने कोशिश की थी मुस्लिम समाज की पार्टियों ने कि बंटवारा हो, लेकिन वहाँ लोग समझदार हैं और बंटवारा नहीं हो रहा। सर, आपने गठबंधन की बात कही और अभी फिलहाल जिस तरीके से गठबंधन देखने को मिल रहा है, बस एक आखिरी सवाल, आपने गठबंधन की बात कही, जिस तरह से गठबंधन देखने को मिला, तो अभी हम मीम के उम्मीदवार, MIM के उम्मीदवार उतरौला गए हुए थे और डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहब से बातचीत की और आपके एक वीडियो के हवाले से हमने उनसे सवाल किया कि जिस तरीके से MIM ने गठबंधन किया है पीस पार्टी से, और मौलाना आमिर रशादी साहब ये शिकवा करते रहे क्योंकि हमने आपका एक वीडियो सुना था जिसमें आप ये कह रहे थे कि अगर हमें हैदराबाद जाकर के चुनाव लड़ना होता तो हम जाहिर है कि पहले वहाँ की लोकल क़यादत को, मुस्लिम क़यादत को कॉन्फिडेंस में लेते, उसके बाद हम अपनी पार्टी का विस्तार करते हैदराबाद में। तो इसी तरीके से उनको भी चाहिए था, ओवैसी साहब को भी चाहिए था कि अगर उत्तर प्रदेश में वो चुनाव लड़ रहे हैं तो वो भी यहाँ की मुस्लिम क़यादत को, लोकल मुस्लिम क़यादत को कॉन्फिडेंस मिले, उसके बाद में अपनी पार्टी का विस्तार करें। आपने जिक्र किया कि उलमा काउंसिल को भी लेना चाहिए था, तो किस तरीके का गठबंधन है कि उन्होंने आपकी बात को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, डॉक्टर अयूब साहब को साथ में ले लिया, और आपका गठबंधन इस तरीके का है कि डॉक्टर अयूब साहब यहाँ से आपके गठबंधन में भी हैं और उनके साथ भी हैं, तो एक अजीब टाइप का गठबंधन नहीं लग रहा आपको? देखिए, हमारा अयूब साहब का अपना गठबंधन था पहले से, अयूब साहब की अपनी ज़रूरत थी और उनकी अपनी ज़रूरत होगी, तो मैं समझता हूँ कि उनकी क्या मजबूरी है कि वो हमसे नहीं करना चाहते, तो ये सवाल आपको वैसी साहब से पूछना चाहिए, उनके नुमाइंदे से पूछना चाहिए। नुमाइंदा जवाब नहीं देता उनके यहाँ, वो कोई नुमाइंदा उसका जवाब नहीं देता, उनका प्रवक्ता भी वही कहता है जो टोन बोलते हैं, उनके यहाँ जो वो कहेंगे वो माना जाएगा, तो आपको ये सवाल वैसी साहब से पूछना चाहिए, लेकिन वैसी साहब को जवाब देने के लिए मिलेंगे नहीं, उनका नुमाइंदा भी जवाब नहीं दे पाया, ये सवाल का जवाब उनका नुमाइंदा भी नहीं दे पाया जी, मतलब उनकी मैं मजबूरी समझता हूँ और वो मजबूरी बहुत जल्द मंत्रालय पे आ जाएगी कि वो हम लोगों से किसी भी ऐसे आदमी से जो ताकतवर हो, जो काम करता हो, उससे वो कहीं पर किसी तरह से भी किसी तरह कोई गठबंधन मैं समझता हूँ कि नहीं करना चाहते। ओके जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती समय दिया। देखिए, चुनाव का मौसम है और इस वक्त में मौलाना आमिर रशादी साहब हमसे बातचीत कर रहे थे। इनका वाजे तौर पर यह कहना था कि ये ओवैसी साहब को सोचना होगा कि यहाँ यानी उत्तर प्रदेश की लोकल मुस्लिम क़यादत को क्यों कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे हैं, ये उनकी प्रॉब्लम हो सकती है, ये सवाल उनसे किया जाना चाहिए। हालांकि जब उनके नुमाइंदे से हमने सवाल किया तो दरअसल उनका नुमाइंदा भी कोई बहुत खातिर था, इसका जवाब नहीं दे सका जी। ऐसी सूरत में सवाल ये है कि क्या वाकई में असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश की सियासत और मुसलमानों की क़्यादत की सियासत को लेकर के सीरियस हैं? ये बहुत बड़ा और अहम सवाल है और ये इसका नतीजा आने वाले दिनों में वाकई में देखने को मिल सकता है। इस वक्त मैं आजमगढ़ से ग्लोबल बाउंड्री के लिए सलीम आजम। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।